हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोतीचूर के लड्डू, जिसे मैंने बिना बूंदी बिना झारा का यूज किए हुए बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो आइए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप चने का दाल, इसे मैंने रात भर भिगो दिया था और इसे मैंने मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लिया है। पीसने के बाद इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है और इसमें मैंने ना ही नमक डाला है और ना ही इसमें मैंने चीनी डाला है। बिल्कुल प्लेन चने का दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब मैं एक लूंगी कढ़ाई, उसमें डाल दूंगी मैं ऑयल और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इस चने के दाल कर गोल गोल पकौड़ी की तरह तल लूंगी और इसे डाल के मैं चलाते हुए तब तक तलना है जब तक ये पूरी तरह लाल या ब्राउन जैसा ना हो जाए। इसे हमें हल्के हाथों से चलाते हुए तलना है, नहीं तो हमारी पकौड़ी तेल में टूट जाएगी और हमारा तेल बर्बाद हो जाएगा और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने अपने पकौड़ियों को बिल्कुल लाल तल लिया है। अब मैं इसे सावधानी से धीरे धीरे ऑयल से सारी पकौड़ियों को बाहर निकाल लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा इसे हम मिक्सी में तोड़ तोड़ के डाल देंगे। सारी पकौड़ियों को मिक्सी में डालने के बाद इसे हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें महीन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बना लेना है। और ये देखिए, मैंने अपनी सारी पकौड़ियों को दरदरा सा पीस लिया है। इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है और इसके बाद मैं इसके लिए चाशनी तैयार करूंगी। तो मैंने फिर से वापस एक कढ़ाई चढ़ाया, उसमें मैं डालूंगी 2 कप चीनी और 2 कप चीनी डालने के बाद उसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। चीनी जितना भी ले उसका आधा पानी डाले तभी हमारी चाशनी बहुत अच्छी बनेगी। और इन सबको चलाते हुए हमें एक तार की बिल्कुल सुंदर सी चाशनी बना कर रेडी कर लेना है और इसे हमें हाथों से चेक कर लेना है कि हमारी तार बन रही है कि नहीं। और इसके साथ ही मैं इस चाशनी में डाल दूंगी 1 चम्मच कूटी हुई इलायची, फिर उसमें मैं डालूंगी येलो फूड कलर और इस दोनों को डाल के हमें चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी चाशनी का कलर कितना सुंदर लग रहा है, जिससे हमारे लड्डुओं का कलर भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस चाशनी में मैंने जो पाउडर बना के रखा है ना, इसे धीरे धीरे करके हमें मिक्स कर लेना है। सारे लड्डू से अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मस्क मिलन के थोड़े से सीड्स और इसे डाल के भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारा लड्डू बिल्कुल बाजार की तरह देखने में लगेगा। इसे मिला के हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो हमें लड्डू बनाना शुरू कर देना है। ये देखिए, हमारे मोतीचूर के लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी बाजार की तरह देखने में लगते हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।